हेलो बच्चों, आज हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के पूरे लेक्चर में कंप्लीट डेरिवेटिव में जितने भी टाइप्स आते हैं वो सभी के सभी टाइप्स हम लोग कवर करेंगे। इनमें डेरिवेटिव में जनरली दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, दो फंक्शन का डिवीजन रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, या तो दो से ज्यादा फंक्शन 3, 4 इनके मल्टीप्लिकेशन रहेंगे, या तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन रहेगा। ऐसे बहुत से टाइप है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इम्प्लिसिट फंक्शन यानी एक्स और वाई दोनों मिक्सअप किए हुए रहेंगे, कई जगह पर डबल डेरिवेटिव रहेगा, इनवर्स फंक्शन रहेंगे, ऐसे सभी को आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इनमें सबसे मेन है चेन रूल। पहले आप लोग चेन रूल को अच्छे से समझ लेना, उसको बाकी जगह पर हमको अप्लाई करना है। और एक चीज है बेटा, फॉर्मूले तो आपको याद रहना ही चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले आप लोग नहीं कर सकते। तो अभी यहां पर फॉर्मूला लिस्ट लिखी हुई है, एक बार मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिस्ट बता देता हूं। आप सबसे पहला काम करना कि फॉर्मूले लिस्ट अच्छे से याद करना। फॉर्मूले अच्छे से याद है तो ही आप पूरा लेक्चर समझ पाओगे। एक बार देख लेते हम लोग फॉर्मूले क्या है। बेटा ये लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, dx of cos x is minus sin x, tan x का डेरिवेटिव sec square x, cot x का डेरिवेटिव minus cos x square x, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, cosec x का डेरिवेटिव minus cosec x cot x, root x का डेरिवेटिव 1/2 root x। ऐसे पूरे फॉर्मूले दिए हैं यहाँ पर। x टू द पावर n का फॉर्मूला nx टू द पावर n माइनस 1, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, a टू द पावर x का a टू द पावर x log a, e टू द पावर x का e टू द पावर x log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का डेरिवेटिव -1/x2। वैसे sin इनवर्स x का cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, इनके भी यहाँ पे फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला लिस्ट है बेटा आपका कंप्लीट, ये आप बहुत अच्छे से पहले याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले याद है तो ही आप आगे सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। फॉर्मूला लिस्ट मिटा दो अभी मैं। आप बराबर वीडियो को पॉज करके पूरे फॉर्मूला लिस्ट पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना, बिना फॉर्मूले आप आगे नहीं बढ़ पाओगे बराबर। जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो सबसे पहले याद रख लेना फॉर्मूले, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट, अब पहला टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर बेटा हमको y इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ log ऑफ x ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो dy by dx डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पूरा खेल फॉर्मूले का है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, ये मैंने ले लिया साइन x का डेरिवेटिव, ले लिया cos x, यहां पे साइन है ये वाला, इसके सामने वाला पूरा x मान लेना, तो sin x का डेरिवेटिव cos x, क्लियर। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ये ऐसा ले लिया, ये वाला आपका रूट x इज 1/2 रूट x फॉर्मूला। log x का डेरिवेटिव 1/x, और बेटा x का डेरिवेटिव क्या होता 1, उसको लिखा तो भी चलेगा नहीं लिखा तो भी चलेगा। और एक क्वेश्चन ले लेते हम लोग, जैसे y इक्वल टू tan ऑफ e टू द पावर ऑफ x ऐसा ले लिया मान लो। अब सॉल्व कैसे करोगे, dy by dx निकालना है आपको। बेटा tan x का डेरिवेटिव क्या रहता है, sec स्क्वायर x, ये tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x ले लिया, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x log a ऐसा ले लेना, ठीक है। इसे आप चेन रूल कहोगे, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है। एक क्वेश्चन ऐसे ले लेते हम लोग, y इक्वल टू रूट ऑफ साइन ऑफ log ऑफ e टू द पावर ऑफ tan ऑफ x, ये देखो बेटा ऐसा पूरा क्वेश्चन ले लिया। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये dy by dx हो जाएगा आपका। अब बेटा ये जो रूट x होता है
इसको लिख लेना 1/2 रूट एक्स। एक्स बोले तो कौन सा, ये पूरा का पूरा, यानी साइन ऑफ लॉग ऑफ ए टू द पावर ऑफ टेन ऑफ एक्स, ये पूरा, यानी ये रूट एक्स को आपने सॉल्व कर लिया 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स के बाद क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स। ये बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लिया कॉस एक्स, उसके बाद लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1/x। ये ऐसे हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे रूट एक्स को ले लिया 1/2 रूट एक्स, साइन एक्स को ले लिया कॉस एक्स, लॉग एक्स को ले लिया 1/x, ठीक है। अब ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स को लिखोगे ई टू द पावर एक्स, और बेटा टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x2, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से पूरा लिखोगे आप लोग, इसमें आपको जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे ये कैंसिल होगा, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, और बाकी की चीजों को आप सिंपल फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे आप बहुत से क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे y इक्वल टू साइन ऑफ ए टू द पावर ऑफ, या साइन ऑफ ले लेते लॉग ऑफ रूट ऑफ टेन ऑफ एक्स, ऐसा ले लिया। यानी आपको सिंपल करना क्या है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन लेते चले जाना है। इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बेटा साइन x का डेरिवेटिव क्या रहता, cos x, ये हो गया हमारा साइन x का डेरिवेटिव ले लिया cos x। अब ये log x, log x का डेरिवेटिव 1/x, बाद में रूट x का 1/2 रूट x, बाद में tan x का डेरिवेटिव 6x2, x का डेरिवेटिव 1। यहां पे और एक बार चेक कर लो बेटा, साइन x को लिखा cos x, साइन का काम हो गया, उसके बाद ले लो log, log x का फॉर्मूला 1/x, रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, टेन एक्स का फॉर्मूला 6x2, यानी फॉर्मूले को आपको अप्लाई करते चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वाई इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ रूट ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसा ले लिया मान लो। अब हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, यानी डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। अब e टू द पावर x का फॉर्मूला e टू द पावर x, ये e टू द पावर x का फॉर्मूला e टू द पावर x ले लिया। अब रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, ये हो गया हमारा रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स। अब log का फॉर्मूला, log x का फॉर्मूला 1/x, साइन x का फॉर्मूला cos x, यानी हमें इसको कैसे ऑपरेट करना है आप देख लो बराबर। e टू द पावर x का फॉर्मूला e टू द पावर x ले लिया, रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x, साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स, ऐसे फॉर्मूले को अप्लाई करते चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बेटा ऐसा रहेगा कि y जो है वो u प्लस वी, y जो रहा वो u माइनस वी, y जो रहेगा वो u अपॉन वी, और y जो रहेगा वो u इंटू वी, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में देंगे अभी आपको। यानी ये क्या हुआ, दो चीजों का प्लस, दो चीजों का माइनस, दो चीजों का डिवीजन, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा y इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, या y इक्वल टू u इंटू वी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, या तो y इक्वल टू फंक्शन टू द पावर फंक्शन u टू द पावर v, ऐसे अलग अलग टाइप्स हमें पढ़ना है। यानी यहां पे क्या किया जाएगा, मेनली दो फंक्शन का प्लस करो, दो को माइनस करो, दो फंक्शन का डिवीजन लो, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन लो, दो तीन फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, या तो इनका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, या तो आपका फंक्शन टू द पावर फंक्शन, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने ये एक ले लिया क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस
रूट ऑफ लॉग एक्स ऐसा ले लिया, या तो यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, या तो डिवाइड रहेगा, ऐसा कुछ भी ले सकते हो आप, उसके अलग अलग रूल्स के हिसाब से सॉल्व करना रहेगा। अब डिवाइड बाय डीएक्स, ये तो सीधा सीधा प्लस वाला रहा, तो डायरेक्ट ही कर सकते हो आप। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, कॉस एक्स, या प्लस माइनस जो भी रहा आप ले सकते हो उसको एज इट इज। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये क्या किया था मैंने, प्लस माइनस। अब y इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ e टू द पावर ऑफ x ऐसा ले लेता, ठीक है। अब बेटा यहां प्लस रहे माइनस रहे उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा आपका, प्लस रहा तो प्लस लेना, माइनस रहा तो माइनस लेना। दो चीजों को प्लस करो या तीन चीजों को प्लस करो, यहां पे प्लस e टू द पावर ऑफ x ऐसा भी लिख देता हूं, यहां पे एक जगह प्लस ले लेते एक जगह माइनस ले लेते, ऐसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय dx इक्वल टू, ठीक है, साइन x का फॉर्मूला क्या था, cos x, लेकिन अकेला साइन x नहीं है यहां पे, रूट x भी है, तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x और x का डेरिवेटिव 1, उसको लिखा तो भी चलेगा नहीं लिखा तो भी चलेगा। फिर माइनस रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x log a, ठीक है, a यानी कांस्टेंट है। अगर यहां पे 5 दिया जाए 5 टू द पावर x तो ये ऐसा आ जाएगा 5 टू द पावर x * log ऑफ 5 ऐसा हो जाएगा वो, समझ में आ रहा है। तो इनमें आपने प्लस माइनस का इस्तेमाल किया तो उनको एज इट इज आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब हम लोग ले लेते हैं मल्टीप्लाई। अब y इक्वल टू साइन x इंटू रूट एक्स ले लेते। अब ये क्या किया बेटा मैंने, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें फॉर्मूला कैसे याद रखना, फर्स्ट टर्म एज इट इज रखना, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी फॉर्मूला कैसा है आपका, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u। इस फॉर्मूले को सिंपल याद रख सकते हैं आप लोग कि पहला टर्म एज इट इज लो, सेकंड का डेरिवेटिव करो, सेकंड एज इट इज लो, फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, ठीक है ना। अब इसमें ऐसे तीन फंक्शन भी रह सकते हैं, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है। अब यहां पे दो चीजों का प्रोडक्ट है, डीवाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बेटा पहला टर्म एज इट इज रखो, सेकंड का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, फिर सेकंड को एज इट इज रखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो, ये ऐसा हो गया। फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए, जैसे पहला वाला एज इट इज लिया, सेकंड का डेरिवेटिव यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, फिर सेकंड को एज इट इज रखा और फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया। इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो आप, यह प्रोडक्ट रूल। अब इसमें y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ e टू द पावर ऑफ x इंटू ले लेता हूं मल्टीप्लाई, प्लस माइनस तो हमने ले लिया था, अब मल्टीप्लाई ले लेते हैं। इनके अंदर फंक्शन और इंक्रीज कर सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी बनेगा क्वेश्चन। तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बेटा पहला एज इट इज लो, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, फर्स्ट टर्म एज इट इज ले लिया, सेकंड का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो पहला टर्म एज इट इज ले लिया, सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया प्लस सेकंड टर्म एज इट इज लो और फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। ये हो गया कि आपका इसका डेरिवेटिव साइन का हो गया कॉस और लॉग एक्स का हो गया 1/x। क्लियर बेटा, इन क्वेश्चन को आप कॉम्प्लिकेटेड और कर सकते हो फंक्शन के अंदर फंक्शन लेके। अगर मुझे डिवीजन करना रहा डी डी एक्स ऑफ
u अपॉन v। अब ये मैंने क्या किया, दो फंक्शन का डिवीजन, तो इसमें डिवीजन रूल लगेगा, v ddx of u माइनस u ddx of v अपॉन v स्क्वायर, ऐसा ले लिया बेटा। इसको कैसे याद रखा, पहले ये वाला टर्म ले लिया v, फिर इसका डेरिवेटिव किया माइनस u लिया ddx of v अपॉन v स्क्वायर। ये फॉर्मूले को पहले याद कर लेना, ये डिवीजन वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद किए बिना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए सबसे पहले फॉर्मूले को अच्छे से रट लेना, v ddx of u माइनस u ddx of v अपॉन v स्क्वायर, क्लियर। अब ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैंने अभी y इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स ले लिया, एकदम सिंपल क्वेश्चन ले लिया, बेसिक क्वेश्चन, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डीवाई बाय डी एक्स, ठीक है। पहले v ले लो, ये हो गया अपना हमारा v, और ddx ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस, इसको एज इट इज रखो साइन एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का स्क्वेयर। अगर आप फॉर्मूला याद है तो आप ये समझ पाओगे, ये देखो v, इसको मैंने कहा u, इसको मैंने कहा v, तो आप देख लो ये मैंने v लिखा और फिर ddx of u यानी sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर बाद में इसको एज इट इज लिखा माइनस लेके, बाद में इसका डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स और इसका स्क्वायर नीचे ले लिया, तो फॉर्मूले को अप्लाई किया मैंने v ddx of u माइनस u ddx of v अपॉन v स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। आप यहां चेक कर लो बराबर, ये v को एज इट इज लिखा, फिर बाद में u का डेरिवेटिव यानी किसका डेरिवेटिव sin x का, वो हो गया cos x, बाद में u को एज इट इज और v का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर। फॉर्मूला याद आना चाहिए बेटा, फॉर्मूला याद है तो आसानी से कर पा रहे हो आप। अब इनको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। y इक्वल टू ले लिया log ऑफ रूट ऑफ e टू द पावर x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, यहां पे ले लेते कोई e टू द पावर x, ठीक है ना। तो यहां पे क्या किया, डिवीजन के साथ साथ चेन रूल भी लगेगा, देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाय dx इक्वल टू, पहले क्या लेना v नीचे वाली टर्म यानी साइन ऑफ ए टू द पावर x, नीचे वाली टर्म को पहले एज इट इज ले लिया, फिर सेकंड का इसका पहले वाले का डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग log x यानी 1 बाय x, ये मैंने log x उसको 1 बाय x कर दिया, रूट एक्स 1 बाय 2 रूट एक्स ई टू द पावर x इज ई टू द पावर x, बेटा ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। नीचे वाले को पहले एज इट इज लिखा v, फिर इसका डेरिवेटिव यानी u का, क्योंकि इसको मैंने u कहा है इसको मैंने v कहा है, तो u का डेरिवेटिव ये है log x इज 1 बाय x, रूट एक्स 1 बाय 2 रूट एक्स ई टू द पावर x, ई टू द पावर x, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज log ऑफ रूट ऑफ ई टू द पावर ऑफ x, ये u हो गया अपना। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया, और ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ठीक है बेटा, ये ऐसा लिख दिया। यानी आप देख लो v ddx of u माइनस u ddx of v अपॉन v का स्क्वायर यानी साइन ऑफ ए टू द पावर एक्स इसका स्क्वायर। जस्ट फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, डेरिवेटिव काफी आसान है, ठीक है। इसमें जब फंक्शन इस्तेमाल होगा या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा तब थोड़ा सा इंक्रीज होता। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, दो चीजों का प्लस, दो चीजों का माइनस, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, दो फंक्शन का डिविजन। अब दो से ज्यादा फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स। अब मैंने क्या कर लिया, दो से ज्यादा फंक्शन है, अब आपको लॉग के फॉर्मूले पता चाहिए, लॉग ऑफ ए इंटू बी
ऐसा अगर रहा तो ये क्या होता, log a प्लस log b, ठीक है बेटा। अगर मैंने log ऑफ a अपॉन b कहा तो क्या होता है, log a माइनस log b, और अगर मैंने log ऑफ a टू द पावर b कह दिया तो b log a। बेटा ये फॉर्मूलेज अभी आपको पता चाहिए, इसके आगे log ऑफ a इंटू b, log a प्लस log b, log ऑफ a अपॉन b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, log ऑफ a टू द पावर b यानी b log a, ये फॉर्मूले अभी आपको पता चाहिए। तो अभी आपका यहां पर काम है कि ये फॉर्मूले को याद कर लो, क्योंकि इनके बिना आपका काम नहीं होगा। अभी जब दो से ज्यादा फंक्शन आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में, तब इनका काम आ रहा है हमें। अब देख लो बेटा, इसमें मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहां पे भी लॉग लगा दो, इसको भी लॉग लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा लॉग वाई, ठीक है। अब इसको पूरा लॉग अप्लाई किया तो a इंटू बी इंटू सी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ऐसा हो जाएगा वो, यानी लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ रूट एक्स, ऐसा हो गया वो। सभी को लॉग लगा दिया, पहले इसको और इसको लॉग लगा दिया, फिर लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी है वो, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ऐसा हो गया। नाउ log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय एक्स, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। ये कैसे आया, जैसे अगर log x होता तो log x का डेरिवेटिव भी 1 बाय एक्स होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ऐसा करते हैं, log का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स और x का डेरिवेटिव 1, तो यहां पे भी log y, सो log y का डेरिवेटिव 1 बाय y और y का डेरिवेटिव dy बाय dx, तो यहां पे ऐसा होता है dx अपॉन dx। ये ऐसे log x का डेरिवेटिव 1 बाय x और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dx, तो ये 1 हो गया, तो ये 1 बाय x बचता है इक्वल टू। अब log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x log a प्लस बेटा log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स, ऐसे आपका आंसर आएगा। यहां पे कॉस अपॉन साइन, इसको क्या ले सकते हो आप, कॉट, ये ए टू द पावर एक्स कैंसिल होगा, यहां रूट एक्स क्या हो सकता है आपका एक्स, इनको ऐसे आप सिंपल फॉर्म में बाद में ले सकते हो। इसके अलावा अब बेटा हमें तो चाहिए डीवाई बाई डी एक्स का आंसर, तो देयर फोर डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करोगे आप, ये जो वाई है ये वाला y इस तरफ भेज देना, तो ये y इस तरफ चला जाएगा हमारा, और ये बाकी पूरा बचा हुआ जो है ब्रैकेट में, इसको यहां लिख देना, समझा, ये पूरा का पूरा यहां पे लिख देना सिंपल करके, और ये y को इधर ट्रांसफर कर देना, क्योंकि हमें तो चाहिए dy by dx। अब ये जो y की वैल्यू है वो यहां से निकाल के यहां पे रख देना, ये वाली y की वैल्यू, ठीक है। यानी दो से ज्यादा फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन या डिविजन रहा तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और एक क्वेश्चन देख लेते हम लोग, अब अगर मैंने y इक्वल टू रूट एक्स ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ x, ऐसा ले लिया बेटा, ठीक है ना। अब आप यहां देख लो, दो से ज्यादा फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो कौन से मेथड लगाओगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहां पे लग जाएगा आपका log y, ठीक है। अब इसको जब पूरे फंक्शन को log लगा दोगे, सो log ऑफ a इंटू बी, ये क्या होगा log a प्लस log b, डिविजन में रहा तो log माइनस में चला जाएगा, यानी ये log ऑफ a प्लस log ऑफ b माइनस log ऑफ c, ये ऐसा हो गया बेटा, ये क्योंकि यहां पे लिख के दे देता हूं मैं, log of a into b अगर रहा तो ये log a plus log b होता है, ठीक है ना, जबकि अगर log of a upon b रहा तो ये क्या हो जाता तुम्हारा log a minus log b, इनको मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं वहां पर, तो ये log of a plus log of b upon है तो minus log of c, ऐसा हो गया वो। अब इसको सॉल्व करो, log y का डेरिवेटिव 1 by y, y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स, अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स,
रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, e^x का e^x माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ऐसा कर लिया। इसके बाद हमारा पर्पस क्या है ये निकालना, तो हम लोग y को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो therefore मुझे dy by dx अगर निकालना रहा तो मैंने y को इधर ट्रांसफर कर दिया, और ये पूरा का पूरा जो है इसको यहां पे लिख लेना वापस से, समझा बेटा? इसको सिंपल करना है तो आप सिंपल कर सकते हो, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स को x लिख दो, इसको लिख लो 1/x log x, ऐसा आप लिख सकते हो। बाद में ये y की वैल्यू यहां पे वापस से सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये आपका dy by dx निकल गया। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये मेथड कब लगाओगे? जब दो से ज्यादा फंक्शन रहेंगे तब। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे बेटा, अब ऐसे इंप्लिसिट फंक्शन लेंगे, ये ऐसे फंक्शन लेंगे जिसमें एक्स और वाई दोनों मिक्सअप है। अब एक ऐसा इक्वेशन ले लिया मैंने, इसमें क्या है आपका एक्स वाई एक साथ है, यहां पे भी एक्स वाई एक साथ है, तो अलग अलग नहीं लिखे हुए, इनको कैसे सॉल्व करोगे आप? जैसे आप प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, आपको प्रोडक्ट रूल अच्छे से आना चाहिए। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो, कैसे करोगे? फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, दैट इज वन। ये देख लो बेटा, ये यहां तक का आंसर आया, पहला टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड टर्म एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, यानी dx अपॉन dx इज वन, यानी यहां पे हमारा होगा ऐसा dx अपॉन dx, ये लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, लेकिन ये हो गया वन, तो इतना ही बचा प्लस। अब इसमें भी वैसे ही करो, प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा यहां तक? अब देख लो, हमारा तो पर्पस है डीवाई बाय डीएक्स निकालना, ठीक है ना, ये हमारा पर्पस है, तो इसको एक तरफ रहने दो और बची हुई टर्म को दूसरे तरफ जाने दो, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स डीवाई बाय डीएक्स प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर डीवाई बाय डीएक्स, यानी हमने क्या किया, डीवाई अपॉन डीएक्स वाली टर्म एक तरफ रहने दिया, बची हुई टर्म को उस तरफ भेज दो, इसे और इसे, यानी ये उधर चला गया तो माइनस वाई और ये उधर चला गया तो माइनस टू वाई एक्स। ठीक है, अब बेटा यहां से डीवाई बाय डीएक्स निकालना हमारा पर्पज है, तो आप dy by dx को कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर क्या माइनस को कॉमन निकाल दो, ये बचा y प्लस टू वाई एक्स, क्लियर। अब हमारा टारगेट क्या था, dy by dx निकालना, तो ये टर्म को नीचे भेज दो, तो ये वाला जो टर्म है उसे नीचे भेज देंगे, therefore dy by dx इक्वल टू, यहां पर लिख रहे हैं हम लोग माइनस y प्लस टू वाई एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा x। अब यहां पर पूरा स्टेप वापस से समझ लो, अगर x और y को मिक्सअप किया हुआ रहा, ठीक है ना, इंप्लिसिट फंक्शन है यानी मिक्सअप किया हुआ है, तो आप उसको रेगुलर वे से ही सॉल्व करो, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगाया, यहां पे भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगाया। मिक्सअप जब होता है तब आपके मान लो dy by dx एक से ज्यादा बार आते हैं, जैसे यहां पे दो बार आ गए, तो आप क्या करना, dy by dx वाली टर्म एक तरफ लिख लेना और बची हुई टर्म दूसरे तरफ लिख लेना, क्लियर। बाद में dy by dx को कॉमन निकाल लेना, ब्रैकेट में बचेगा, बाद में इसको नीचे भेज देना, ये ऐसे। आपको ये प्रोसीजर ही दिमाग में रख लेना है कि अगर x और y मिक्सअप है और y अगर दो तीन बार आ रहा है तो आपका dy by dx भी दो तीन बार आएगा, तो dy by dx वाले टर्म को एक तरफ लिख लेना, बाकी के टर्म्स को दूसरे तरफ ले जाना, बाद में इसमें से dy by dx को कॉमन निकाल लेना, और ये जो ब्रैकेट में बचेगा फाइनली
उसको नीचे भेज देना डिनोमिनेटर में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा बेटा? इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैंने अब x इक्वल टू ले लिया 80 स्क्वेयर एंड y इक्वल टू ले लिया 2 × 80, अगर ऐसा दिया, अब हमने क्या किया है कि x जो है वो फंक्शन है t का और y जो है वो भी फंक्शन है t का, तो आप ऐसे समय क्या कर रहा, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करो, यानी dx अपॉन dt, तो ये कितना हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 × t, ठीक है ना। एंड वैसे ही कर लो यहां पे dy / dt, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो आप, क्योंकि x एज अ फंक्शन ऑफ t है, तो dx अपॉन dt निकाला, y इज अ फंक्शन ऑफ t है तो dy / dt निकाला, तो ये 2 से कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो गया dy / dt, ये हुआ dx / dt। अब हमें तो चाहिए dy / dx, तो इसके लिए आप क्या कर लेना, तो ये ले लेना dy / dt डिवाइडेड बाय dx / dt, ऐसा कर देना, यानी दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका dy / dx आ जाएगा, तो ये dy / dt कितना है अपना 2 × 80 और dx / dt कितना है अपना 2 × 80, यहां से 2 × 2 कैंसिल हुआ तो 1 / t बचा। इस तरीके से आप आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट, अगर हमें x इक्वल टू a साइन थीटा दे दिया एंड y इक्वल टू b कॉस थीटा दे दिया, मान लो ऐसे, अब आप क्या करोगे, तो x को आप डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी ये हो गया आपका dx / d थीटा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, एंड इसको भी कर लो dy / d थीटा, तो b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, dy / dx, तो हम लोग क्या करेंगे, dy / d थीटा डिवाइडेड बाय dx / d थीटा, ऐसा करेंगे, तो ये करने से हमारा dy / dx आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस b साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, a cos थीटा, तो ये हो गया माइनस b / a, और ये साइन अपॉन कॉस यानी क्या, टैन, तो साइन अपॉन कॉस ले लिया हमने टैन थीटा। इस तरीके से सॉल्व करोगे, अब नेक्स्ट टाइप है बेटा अपना डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव वाला, जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस रूट एक्स, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ले लेता हूं, ऐसे। अब डबल डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो, dy / dx निकाल लो, ठीक है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करो, यानी ये d स्क्वायर y / dx स्क्वायर, तो वापस डेरिवेटिव करोगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपने क्या कर लिया, डबल डेरिवेटिव कर लिया। अब अगर मैंने y इक्वल टू रूट ऑफ, ये ले लिया मैंने e टू द पावर ऑफ sin x इनटू रूट ऑफ x, ठीक है, या माइनस ले लेता हूं, यहां पर हम इसको e टू द पावर x को ले सकते हैं, यहां पे रूट x को भी ले सकते हैं। अब इसका dy / dx निकालेंगे, ठीक है, e टू द पावर x का क्या हो जाएगा e टू द पावर x, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, माइनस रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ये इस तरीके से क्या हुआ आपका सिंगल डेरिवेटिव। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है, मान लो d स्क्वायर y / dx स्क्वायर। अब यहां पे तुम लोग क्या लगा सकते हो, प्रोडक्ट रूल, इसको क्या कहते हैं आप u, इसको क्या कहते हैं आप v, तो
तो आप u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u कर दो, जैसे इसका पहला टर्म है एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड टर्म है एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी e टू द पावर ऑफ sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x, ये ऐसा ले लिया बेटा डबल डेरिवेटिव करते समय, माइनस अब ये 1 बाय 2 रूट एक्स को क्या लिख सकते हो आप, x टू द पावर ऑफ 1 बाय 2, ये जो है बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय 2 x टू द पावर 1 बाय 2 ऐसा लिख सकते हैं, बाद में इसको कहां पर भेज सकते हो ऊपर, तो ये x टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा ऐसा, और अगर इसका डेरिवेटिव निकालना रहा तो 1 बाय 2 को बाहर निकाल देना और x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाना, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये वाला, इसको अप्लाई करके उसको आप यहां पे लिख देना, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, आपका बेसिक नॉलेज है, सबसे पहले ही आना चाहिए आपको, स्टार्टिंग में आप लोग इसकी प्रैक्टिस की हुई होना चाहिए, रूट एक्स को लिखेंगे एक्स टू द पावर 1 बाय 2 और 1 बाय 2 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, क्लियर, उसको यहां पे लिख देना, इस तरीके से आप डबल डेरिवेटिव वाला सॉल्व करोगे। इसके बाद बेटा आपके इनवर्स फंक्शन, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ मान लेते हम लोग e टू द पावर ऑफ x ऐसे, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, अभी x कौन सा है तुम्हारा, ये वाला है, तो यानी e टू द पावर x उसका स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, इस तरीके से सॉल्व करोगे। अगर मैंने y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर x ऐसा ले लिया, अब इसका फॉर्मूला क्या है, अगर मैं dy बाय dx निकालने जाऊं तो बेटा tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, आपने फॉर्मूले याद किए हुए होनी चाहिए, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x बोले तो क्या है ये वाला, यानी e टू द पावर x उसका स्क्वायर, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x लोगे, ये होना चाहिए। अगर मैंने इसके अंदर ले लिया प्रोडक्ट रूल, मान लो यानी y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x इंटू ई टू द पावर ऑफ x ऐसा ले लिया, तो ये एक फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन अंदर में प्रोडक्ट में है, अब डिवाइड बाई dx अगर लेना है मुझे, ठीक है, टैन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये ऐसा हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, अब और इसका वापस से डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, दैट इज 1, ये मेरा आंसर रहेगा, उसमें से कुछ कॉमन निकालना है कॉमन निकाल सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, बेटा अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी उनमें क्या था कि सबसे पहले चेन रूल है यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे हमने पहला टाइप ये पढ़ा मान लो कि y इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ e टू द पावर ऑफ x, इसे हम लोग चेन रूल कह रहे हैं यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है। सेकंड बेटा y इक्वल टू यू प्लस वी रह सकता या y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू रह सकता या तो u माइनस वी रह सकता ऐसे, यानी प्लस ले लिया माइनस ले लिया, या तो y इक्वल टू क्या रह सकता u इंटू वी या तो u अपॉन v रह सकता या तो फिर क्या u इंटू वी अपॉन w या तो u टू द पावर v रह सकता, यानी ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर ले लेते यहां पे log x ऐसा ले लिया, तो ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो गया, ठीक है ना, या तो सिंपल ले लेते पहले x ले लेते ऐसा, ठीक है, तो ऐसे केस में भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ x टू द पावर x ऐसा हो गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये जो x है लॉग ऑफ e टू द पावर b तो वो हो जाएगा b log a
ऐसा, और ये इसका डेरिवेटिव 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, और बेटा ये दो चीजों का प्रोडक्ट है x का और log इसका, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देना, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, और आप आंसर निकाल लेना, ये y को उधर ट्रांसफर कर देना, तो ये y इंटू दिस आ जाएगा, ये ऐसे, ये हो गया तुम्हारा फंक्शन टू द पावर फंक्शन। बेटा ऐसे हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आज देखे जिसमें आपको फंक्शन टू द पावर फंक्शन था, दो तीन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन था, दो तीन टर्म्स का डिवीजन रह सकता, एक्स और वाई को मिक्सअप किया हुआ रह सकता, एक्स और वाई को मिक्सअप किया हुआ तो इम्प्लिसिट फंक्शन, और एक टाइप हो सकता है बेटा आपका जिसमें एक को कह दिया यू जैसे साइन ऑफ एक्स, एक कह दिया हमने वी दैट इज रूट एक्स। अब आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया मान लो कि डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, ऐसा वाला एक क्वेश्चन कह दिया कि डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, तो हमने साइन एक्स को कह दिया यू और रूट एक्स को कह दिया वी, तो डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स यानी डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू वी, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है ना, यानी ये और ये सेम चीज है, क्योंकि मुझे साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, तो साइन एक्स को मैंने मान लिया यू, इसको मैंने मान लिया वी, तो यानी यू को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वी, ये हो गया, और ये मुझे अगर निकालना रहा तो मैं क्या करूंगा, ये डी यू अपॉन डी एक्स कर दूंगा और ये डी वी अपॉन डी एक्स कर दूंगा। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और v is also a function of x। अब u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, ये वाला, और बेटा v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये v आपका ये है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय टू रूट एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आपने क्या किया डिफरेंशिएट द साइन x विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, इसको आपने सॉल्व कर लिया, ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेरिवेटिव में जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी उनको हमने पढ़ा है, ठीक है, सिर्फ लेवल इंक्रीज करना रहा तो कैसे, कहीं पे कुछ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आएंगे, और अगर मैं ऐसे कर दूं जैसे मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना है, मैंने e टू द पावर ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर ऑफ x इंटू साइन ऑफ रूट ऑफ टेन एक्स, ऐसा दे दिया मान लो, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बनता है, क्वेश्चन टफ नहीं बनता बेटा, क्वेश्चन मान लो आपको बहुत सोचना है, आपका टफ क्वेश्चन बन गया, ऐसा नहीं है, डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस कंसेप्ट लिमिटेड है, इसमें सिर्फ ये हो जाता कि क्वेश्चन को मैंने लेंदी कर दिया, यानी इसको पहले मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, ये हो जाएगा मेरा यू, ये हो जाएगा मेरा वी, तो यू डीडीएक्स ऑफ वी प्लस वी डीडीएक्स ऑफ यू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, अगर इसी का डेरिवेटिव करके बताऊं मैं तो वो कैसा होगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x, sin x का डेरिवेटिव cos x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x log a, तो ये लिखने में लेंदी हो जा रहा है, यानी पहला टर्म एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव जब करूंगा तो ये इतना आ जाएगा, इसी तरीके से जब इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, इसके बाद रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय टू रूट एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर एक्स, ये ऐसा हो गया बेटा। तो अब हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं कि पहले टर्म को एज इट इज लिखो, सेकंड का डेरिवेटिव करो, फिर सेकंड को एज इट इज लिखो प्लस करके और फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, तो वो इतना आ गया, तो लिखने के में लेंदी क्वेश्चन बनता है। फॉर्मूले अगर आपको याद है और अभी मैंने जितना बताया आपको कि दो तीन फंक्शन रहा तो क्या करना, एक्स वाई मिक्सअप रहा तो क्या करना, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी और थीटा रहा तो क्या करना, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना, डिवीजन रूल कैसे लगाना, ये चेन रूल कैसे लगाना, अगर आपको सब बेसिक पता है तो आप आराम से डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। सिर्फ क्वेश्चन को लेंदी बनाया जाता, क्वेश्चन टफ नहीं बनता, जब उसके अंदर फंक्शन
ग्राफ के क्वेश्चन, फंक्शन के क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट लेके उसका डेरिवेटिव बनाएंगे, तो क्वेश्चन थोड़े थोड़े टफ बनते चले जाते हैं। ठीक है, आज का जितना हम लोगों ने बेसिक पढ़ा इसको आप प्रैक्टिस करते रहना। चलो बाय बेटा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।